हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। लगा लोअर सर्किट भैया, आखिर चल क्या रहा है इसमें? गलती मत कर देना दोस्तों, मौका है, मौका या धोखा, करोड़पति या करोड़पति देख लेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में यामिनी का एक भी यूनिट है, लोअर सर्किट से परेशान हो, तो ये वीडियो ओनली आपके लिए ही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि देखो, आज ये दो नंबर का वीडियो, एक नंबर का पहले पोस्ट कर दिया है, ये सेकंड नंबर का वीडियो है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को ओपन करके देख लेना है। तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, ये मैं फंडामेंटल चेक कराता हूँ। देखो, 102 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और डेप्ट फ्री कंपनी है, प्लीज भी नहीं है। प्रमोटर के पास में 10% की हिस्सेदारी है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं है। और रिजर्व भैया 14-15 करोड़ का रिजर्व है, एसेट पड़ा है भैया 68-70 करोड़ का, और कचरा मात्र 1.5 करोड़ का है। टोटल एसेट 68-70 करोड़ का है। बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू 13 पैसा, शेयर की प्राइस 1.94 रुपये। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भैया डेप्ट फ्री और प्लीज फ्री आपको मिल रही है, और भैया करंट एसेट और भैया रिजर्व पड़ा है बोरी बरबर के, करंट एसिड पड़ा है भैया बोरी बरबर के, यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी डिटेल वो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लो, आज यामिनी 2.10 रुपये का हाई भी बनाया था, 1.94 रुपये का लो भी बनाया था। सुबह देखो हाई बनाया था, फिर देखो लोअर सर्किट में ये लो हो गया और उठने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, यामिनी एक तो अपने सपोर्ट पर है, ध्यान रखना, एक तो अपना सपोर्ट पर है, दूसरा सपोर्ट इसका 1.86 रुपये का निकल के आता है, लेकिन अब इससे नीचे नहीं जाने वाला। यहाँ से बाउंस बैक ले लेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 2 रुपये का था, उसको तोड़ दिया तो मार्केट ओपन है। तो अभी मार्केट ओपन है, तो क्या पता वापिस से सस्टेन हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। देखो, यामिनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है भैया, एक वीक से रिटर्न नहीं दिया, लेकिन देखो 47 लाख 32 लाख मार्केट में जितना यूनिट आ रहा है, लोग घर पे भी लेके जा रहे हैं। और सबसे अजीब और डरावनी खबर क्या है कि भैया 67% लोग, यानी 67% लोग बोल रहे हैं कि इसको सेल कर दो। मात्र 3% लोग ही है जो भैया बोल रहे हैं कि बाय कर लो, यानी कि 33% लोग बाय के लिए बोल रहे हैं, और भैया पूरे लोग बोल रहे हैं कि यामिनी को सेल कर दो। तो देखो दोस्तों, यामिनी का एक भी यूनिट है तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन शेयर है जो सभी लोअर सर्किट में लोक है। मार्केट ओपन है लेकिन लोअर सर्किट में लोक है, आपको पता है सभी शेयरों में गिरावट हो रही है। यामिनी देखो, एक तो डेप्ट फ्री कंपनी है, प्लीज फ्री कंपनी है, एसिड भी है, और भैया रिजर्व भी पड़ा है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं किसी भी लेवल पे हो। तो अगर 3 रुपये पर 2.80 रुपये पर बाई कर लिया है, तो भैया एवरेज कर सकते हो, और यहाँ भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ भी फ्रेश एंट्री करते हो कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइटली आप होल्ड कर लो, यामिनी बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल के दे देगा। 52 खाई, देखो 3 रुपये है ना, इसको टच करके भैया 5 रुपये का बना लेगा। बस थोड़ा सा अपन को होल्ड करने की और पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि भैया 2 रुपये में आपको डेप्ट फ्री कंपनी मिल रही है, प्लीज फ्री कंपनी मिल रही है, जिसके पास में केस पड़ा है बोरी बरबर के, रिजर्व पड़ा है भैया, और क्या चाहिए। यानी कि फंडामेंटली यामिनी स्ट्रॉन्ग है, कोई देखो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है अपन को, और किसी भी लेवल पर होल्ड कर लो, और यहाँ भी प्रेस एंट्री कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स आज की वीडियो में।